रहमतुल्लाही ताला बरकातु। दिलशाद मिर्जा रजा इस वक्त घर पर मौजूद हो। 23:02 और 18 सेकंड हो रहे हैं, मतलब रात की 11:02 और 22 सेकंड हो चुके। देख सकते हैं अंदर वाला रूम है ना, पहले रूम वगैरह दिखाना बहुत जरूरी है ना दिलशाद मिर्जा उस पर छोटू मुझे। और देख सकते हैं जानमाज बिछी हुई है, ये तस्बीह अल्हम्दुलिल्लाह, और ये जो है ना ये रूम है सामने का, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह दिलशाद मिर्जा को एक एक बात बताने की आदत है, क्योंकि आज की जो तारीख जो है वो तारीख तो सभी को पता रहना चाहिए। वो तारीख जो है 15 मई 2023 दिन जो है वो तो खैर रात लग गई तो क्या हुआ है ना, वो है सोमवार, जिसे हमारे इसमें पीर कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक एक बात बताने की आदत है। और ये किस समय कहाँ पर गया था, किस समय कहाँ पर गया था, क्योंकि सपूरा मिर्जा के मेटर से दिलशाद मिर्जा ने कदम पीछे नहीं लिया ना ही लेगा, क्योंकि कितनी बातें दिमाग में बिठा के रखेगा। दिमाग में रही थी तब भी मुख्तसर के लिए लिख ले, तो वो लिखने के बाद में बताता हूँ। क्योंकि 11:50 से पे घर से वीडियो बना के निकला था, और गेट जैसे पार किया तो 11:53 हो चुके थे सुबह के। 11:53 पे अपने घर से निकला था, जो लगभग जो है यशोधरा नगर चौक होते हुए नहीं बल्कि लाल झंडा चौक होके 11:53 पे निकला, तो 12:18 पे जो है जो कलम ना जो ब्रिज है नहीं कि ब्रिज पे जो एंट्री जैसे किया, कम से कम 100-150-200 मीटर के लगभग लगभग चला था, तो एक शख्स से मिल गया मुझे 12:18 पे। तो उन्होंने मुझे ब्रिज क्रॉस कर दी, और जो चिकली जो चौक है, जो चिकली जो चौक है कलमना चिकली स्क्वायर, वहाँ पर जो है 12:21 पे वहाँ पर छोड़ दिए। फिर वहाँ से मैं 12 पैदल पैदल तो घर से निकला था, पैदल पैदल DCP ऑफिस वर्धमान नगर, लोग पार्टी भी कहते हैं ना हल्दीराम के बाजू में, तो वहाँ पर DCP ऑफिस में जो है 12:50 पे पहुँच चुका था, क्योंकि तारीख की बताने की जरूरत नहीं। 12-13 अप्रैल 2023 को 21 रमजानुल मुबारक 2100 रोजा था, मुझ पर अटैक किया गया था दरवाज़ा तोड़ के, और कलम चेक देखा मैंने यहाँ पर 424-504-506 की कलम मुझ पर लगी हुई है ना। दिलशाद मिर्जा ने कदम पीछे नहीं लिया। वहाँ पर जो है आने वाली जो 29 तारीख मुझे मिली, 29 मई, इसके बाद में सरकार ताजी लोलिया की बारगाह में जाने का इरादा था, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पूरी नीयत थी। तो वहाँ से जो है 12:56 पे जो है वहाँ से निकला, 12:56 पे निकलने के बाद में पैदल पैदल चला, कम से कम DCP सर के ऑफिस से लगभग ये समझ से चलिए 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर के लगभग चला, क्योंकि स्पीड भी चलता हूँ और रोजे से भी था है ना, क्योंकि बताया नहीं तो सुबह की वीडियो में रोजे से भी था। पीरो जुमेरात का रोजा हर हफ्ते का रखता हूँ, जिससे सोमवार और अदा कास्ट में गुरुवार का, तो 13-14-15 तारीख का रोजा रखता हूँ, जो उर्दू इस्लामिक तारीख होती है। वहाँ से निकलने के बाद में मैं 1:22 पे एक शख्स से मुझे टेम्पू वाले मिले है ना, हसन बाग के पहले, हसन बाग से लगभग जो है दो हाँ लगभग 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 1.5 किलोमीटर पहले की बात है, तो 1 किलो या 1.5 किलोमीटर जो भी है। वहाँ से मिलने के बाद में वो हसन बाग 1:25 पे कोई शख्स से बात करने लगे, मतलब 22 मिनट पे आइटो में बैठा, 1:25 पे कोई शख्स से बात करने लगे। वहाँ से हसन बाग से 1:30 जैसी लगा वैसी ऑटो स्टार्ट किए, और जो है मुझे सरकार ताजी लोलिया सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन अहमद तो रिजवान की बारगाह में 1:34 पे उतार दिए। तो मैं तो उतरने के बाद में फूल की दुकान पे, जहाँ पे हमेशा जूता रखता तो वहाँ पर रखा, इसके बाद में वजू वगैरह ताज़ा बनाया, और इसके बाद में नमाज़ पढ़ा जोहर की नमाज। जोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद में दरगाह में जो है सरकार ताजी लोलिया की बारगाह में दुआ वगैरह मांगा। दुआ वगैरह मांगने के बाद में 2:26 पे पैदल पैदल जो है मिठानीम दरबार के लिए निकला। मिठानीम दरबार सैयद जलालुद्दीन मीर सुर्ख रहमत रिजवान, जो बहुत जलाली नहीं बहुत जलाली है ना, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो 4:01 पे मिठानीम दरबार पहुंचा, वहां पर ताज़ा वजू बना, वजू से रहता हूँ तो क्या हो ताज़ा वजू, तो फैमिली कोर्ट जाना था ना, क्योंकि 15 तारीख फैमिली कोर्ट की भी थी। तो दुआ वगैरह मांगा, मुख्तसर दुआ मांगा जल्दी जल्दी, और इसके बाद में 4:18 पे जो है फैमिली कोर्ट के लिए निकला। फैमिली कोर्ट जो है यहाँ से लगभग नज़दीक है, तो 4:32 पे फैमिली कोर्ट पहुँच चुका था। जैसे 4:00 फैमिली कोर्ट पहुँचा, तो वहाँ पर जो है तारीख मिली, मतलब कि
17 जून 17/6/2023 है ना, वहाँ से तारीख लेने के बाद में कोर्ट के बाहर 4:42 पे तारीख मिलने के बाद में आकाशवाणी जो चौक है वहाँ पर जो है पैदल पैदल आया, 4:56 हो चुके थे और वहाँ पर मतलब कि 52:53 पहुँच चुका था है ना, अंदाजे पे बता रहा हूँ क्योंकि लिख के भी रखा था, मोबाइल के अंदर टाइप भी करके रखा था। वहाँ से 4:57 पे बस के अंदर एंट्री हो चुकी थी, ये देख सकते हैं ये टिकट, इसके अंदर टाइमिंग वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह टाइमिंग वगैरह सब लिखी हुई है, बताने की ज़रूरत नहीं है ना कितने बजे है ना 57 पे टिकट निकाला था। इसके बाद में रानी दुर्गावती चौक जो है 5:18 पे 17:18 पे पहुँच चुका था वहाँ बस से, पैसे दिया था 16 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह बस वाले को। 2-3 मिनट खड़े रहने के बाद में 5:20 पे टेम्पू वाले मिले है ना, टेम्पू वाले को भी यशोदा चौक पे 10 रुपये दिया। टेम्पू वालों ने मुझे 5:28 पे यशोदरा चौक पर उतार दिए है ना, वहाँ से तरबूज वगैरह लिया और 5:30-32 पे अपने रूम पर अपने घर पर मौजूद था। फिर वहाँ से आने के बाद में थकावट बहुत महसूस हुई थी, तो वजू पहले तो आने के बाद में हाथ पाँव धोने के बाद में जान नमाज पे आधा घंटे दस मिनट के लगभग समझिए कि लेट गया था, सोया नहीं था। ताज़ा पानी खैर पानी वगैरह तो जो भी है बात वगैरह तो फारिग हुआ, ठंडे ठंडे पानी से जो है स्नान के जिसे हमारे इसमें कहते हैं नहाना, फिर वजू वगैरह बनाया। वजू वगैरह बनाने के बाद में नमाज़ पढ़ा असर की नमाज, क्योंकि समय बाकी था ना कजा होने का, तो नमाज़ पढ़ा। नमाज़ पढ़ने के बाद में तरबूज वगैरह काटा, अपनी बीवी के लिए दुआ किया, दुआ करने के बाद में रोज़ा खोला। रोज़ा खोलने के बाद में नमाज़ पढ़ा मगरिब की, मगरिब के बाद में सीधा जो है चटाई वगैरह बिछाया और देख सकते जो पर्दा जो दिख रहा है आपको पीछे में वही बिछा के लेट गया लगभग जो है आधा घंटा। इसके बाद में करवट पे करवट बदल रहा था क्योंकि बॉडी को रिलैक्स और बॉडी में से इतनी हीट निकल रही थी, गर्माहट निकल रही थी, इस वक्त भी निकल रही, देख सकते पसीना है ना, सुबह भी स्नान करके गया था और इस तब भी। और इसके बाद में बीड़ी वगैरह तो रोज़ा खोलने के बाद में पता नहीं क्या होती, 10 बीड़ी पी चुका हूँ रोज़ा खोलने के बाद में है ना, ये भी गिनती बता दूंगा क्यों डरेगा दिलशान मिर्जा, क्योंकि दिन भर तो रोज़ा था ना। 2 बीड़ी सीढ़ी के पास बैठ के पिया, अंदर में 5-6 बीड़ी पिया, क्या बताऊंगा। और इस वक्त आपके सामने हूँ, अभी तो ईसा की नमाज़ पढ़ना बाकी है ना, ईसा की जो नमाज़ जो घर में पढ़ूंगा और अपने बीवी के लिए दुआ भी करूंगा, पढ़ाई भी करूंगा, अमल भी करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। दिलशान मिर्जा ऐसे ले के जेट तक बता लोगों को बातें पकाऊ जरूर लगी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बताने की वजह ये है कि क्योंकि दिलशान मिर्जा उनको झूठ, मुझे कभी भी किसी भी केस में झूठे केस में फंसा सकते, क्योंकि अपनी बीवी के मैटर में दिलशान मिर्जा उर्फ छोटू काम कर रहा है ना, कहाँ लिया है कदम, बोला था ना जिन जिन्नात खबिसोर मुर्दों के हाथ से, एक बात याद रखना कभी भी है ना। जितने लोगों के बाद में वीडियो जाते हैं दिलशान मिर्जा को पब्लिसिटी होने का शौक नहीं, ना ही फॉलोवर्स बढ़ाने का शौक है, दिलशान मिर्जा की बीवी मेरी बीवी सरिका जोजा अहलिया अद्दा काष्टा धर्म पत्नी कहते हैं ना, अरे अल्हम्दुलिल्लाह जीत तो मेरी होंगी, क्योंकि बोला था 17 अगस्त को अपहरण किया गया था है ना, अरे नहीं सुना गया ना, नहीं अरे पुलिस वाले भी अगर इन्वॉल्व है तो इनको भी भुगतान भुगतना पड़ेगा, दौलत से सौरत से रुपए से वहाँ तक कि वर्दी से, ये भी बात बताना जरूरी है। दिलशान मिर्जा ने कदम पीछे नहीं लिया है ना ही लेगा, क्योंकि दिलशान मिर्जा एक एक बात इसलिए बताते कि कोई झूठे केस में नहीं, और नागपुर कमिश्नर मितेश कुमार जी पुलिस आयुक्त साहब को तो खुद मैसेज करता है ना, कहाँ लिया दिलशान मिर्जा ने कदम, ना ही लेगा अल्हम्दुलिल्लाह जीत हक और सच की होंगे, मुख्तसर वीडियो बना रहा हूँ, कदम पीछे नहीं लिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।